तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला इज इट वर्थ इट और नॉट टू बाय अल्टो VXi इन 2022। क्या आपको ये मॉडल 2022 में लेना चाहिए या नहीं, तो चलिए इस पे बात करते हैं और बताते हैं आपको इज इट वर्थ इट और नॉट। तो चलिए मिलते हैं POV सेटअप पे। तो चलिए चलते हैं और कुछ इसके पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो सीधा कंपेयर किया जाएगा K10 के साथ, जो नई वाली अल्टो K10 है। तो फीचर्स के मामले में बात करें तो देखिए, जैसा कि नए वाले अल्टो K10 से अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको पहला डिफरेंस मिलेगा वो है स्पेस को लेके। ठीक है, आपको स्पेस में बहुत डिफरेंस मिलेगा। अगर आप K10 से कंपेयर करते हो तो लेगरूम में आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा, उसमें स्पेस ज़्यादा मिलता है आपको। हेडरूम का नहीं, बट लेगरूम में आपको, आप चाहे ड्राइविंग सीट पर बैठो या फिर पैसेंजर सीट पे बैठो, आप किसी पे भी बैठते हो तो आपको स्पेस अच्छा मिलता है, क्योंकि कार वाइड है, थोड़ा सा विड्थ उसका ज़्यादा है, तो थोड़ा सा स्पेसियस कार आपको लगता है। बात करें दूसरे पॉइंट की तो इंजन को लेके, अगर अल्टो VXi मतलब 800cc से कंपेयर करें तो इसमें 800cc की इंजन मिलती है और K10 में आपको 1000 की मिल जाएगी। तो ये दो चीज़ हो गया। और सेफ्टी फीचर्स का बात करें तो दोनों सेम बिल्ड क्वालिटी है, थोड़ी बहुत डिफरेंस होगी। बॉडी में बात करें तो वेट ज़्यादा ऑब्वियसली K10 का है, अल्टो लाइट वर्जन है। रेट का बात करें तो थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको K10 कंपेयर टू 800। अब बात करें माइलेज की, दोनों की माइलेज ओवरऑल सेम है। बात करें इंटीरियर की, अगर आप इंटीरियर कंपेयर करोगे ना भाई, तो मुझे 110% डिजिटल मीटर दिया गया है K10 में, बट जो क्वालिटी दिया गया है ना भाई, वो मतलब बहुत अजीब, नॉट सुटेबल है। अगर आप थोड़ा सा स्पीडोमीटर जो भी था, डिजिटल मीटर जो भी था, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का देते, थोड़ा बड़ा बना के देते, बट वो जो होता है ना बाइक वाइक में लगाया जाता जैसा स्पीडोमीटर था, वो वैसा दिया गया है, छोटा सा एक, मतलब नहीं पसंद आया भाई। क्विड में जैसा आपको मिलेगा सेम वैसा फीचर आपको, सेम वैसा ही आपको इसमें मिलता है। और मतलब देखने वाइज मुझे नहीं सही लगा वो, तो यहाँ पे मारुति वाले ने गड़बड़ कर दिया यार, थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकता था। आप इतने अच्छे कार बना रहे हो भाई, आप जानते हो आपका ये मोस्ट सेलिंग कार है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत अपग्रेड करना चाहिए आपको। अब इतने होने के बाद भी क्यों आपको VXi 800cc लेनी चाहिए वो बताते हैं आपको। देखो भाई, लाइट वेट कार है, ऑब्वियसली K10 से ज़्यादा माइलेज देगी। बात रही दोनों में फ्रंट व्हील ड्राइव मिलेगी, उसमें भी फ्रंट व्हील है, इसमें थोड़ा स्पेस का हो जाता है भाई थोड़ा, कि K10 में आपको स्पेस ज़्यादा मिलती है, बट ओवरऑल AC बढ़िया, पिकअप बढ़िया, सब कुछ आपको 800 का बढ़िया मिलता है। और ओवरऑल इंटीरियर तो भाई मेरे को 110% बोल रहा हूँ, मुझे इसी का पसंद है, लुक इसका ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। डुअल टोन फिनिश में आपको VXi प्लस मॉडल है उसमें आपको मिलती है, डैशबोर्ड बहुत अच्छी लगती है देखने में आपको, अगर आप देखो तो। अगर आप यही बात करो K10 की, तो K10 में आपको सिंगल टोन आपको मिलती है, तो ये चीज़ मिल जाता है भाई आपको। ये दोनों से कंपेयर करोगे आप तो K10 में आपको एक टोन मिल रहा है और इसमें आपको डुअल टोन मिलता है, तो दोनों में डिफरेंस है। और लुकिंग वाइज मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा, मतलब ओवरऑल देखो तो आपको VXi जो है आपकी 800 उसका फेवर ज़्यादा लिया गया है, मतलब ज़्यादा लोगों का वोट इसकी ओर था। अगर आप इंटीरियर को लेके बात करें तो मुझे नहीं पसंद आया भाई, वो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो वैसे मेरा भी है। अगर बैक लुक का बात करें कार का, अगर 800 और K10 का, तो भाई नो डाउट K10 को ये पीछे कर देता है लुकिंग वाइज में। और ये बहुत गलत तरीके से अभी काटा है, बट ऐसे नहीं काटना चाहिए उसे, बट चलो कोई नहीं, ज़्यादा रफ भी नहीं। चलो भाई, जब स्पेस नहीं है तो क्यों झूठ का घुसाना। खैर, तो ओवरऑल ये हो गया। और इस कार में बजट का बात करें तो भाई आपको 5 लाख पड़ जाएगी आपको ऑन रोड करते करते। इतने पे भी आपको बैक में भाई K10 में पावर विंडो नहीं मिलते हैं, तो ये सब चीज़ का मारुति वाले ने पता नहीं क्यों ऐसा कर रखा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और पुलिस वाले ने रोक लिया इस बस वाले को, बट जो भी है। तो सजेशन मेरा यही रहेगा कि अगर आप लेना चाहते हो भाई तो 800 पे जाओ, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके मतलब प्राइसिंग पे या फिर जो भी कह लो। ओवरऑल तो मुझे यही पसंद आया, सो इसलिए मैं कह रहा हूँ
या फिर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स का भी पसंद यही है, ऐसा नहीं है कि बस मेरा मेरा खुद का मन का मतलब ऐसा बात बता रहे हैं। ओवरऑल देखोगे आप तो लोगों का पसंद यही है कि भाई सजेशन भी यही है कि हाँ 800 का बात ही अलग है। लुकिंग वाइज में भाई पीछे से देख लो आगे से देख लो, हाँ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कार लगता है ये नो डाउट, बट ओवरऑल ना सही है। मतलब अल्टो का मतलब यही है भाई कि कहीं से भी निकल जाओ भाई एकदम साफ बन के, ठीक है, कहीं कहीं से भी निकाल दो कहीं भी घुसा दो, ऐसा सिस्टम होना चाहिए इस कार का, और वही है इसका बिल्कुल। केटन का लुक नहीं पसंद आया भाई, पीछे का लुक क्विट कर दिया, आगे से थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा और इम्प्रूव करता और मज़ेदार बना सकता था कार मारुति, अल्टो के साथ अच्छा एक्सपेरिमेंट हो सकता था। और ये जिस टाइप का इसका लुक है ना आप देख सकते हो भाई 800 का फ्रंट लुक कितना सही लगता है और पीछे केटन जा रही है। मेरे हिसाब से 800 अगर आपको आज के डेट में भी अगर लेने का डिसीजन बन रहा है तो आप सीधा ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और बात रहा लॉन्ग रन का तो आप मतलब पर्सनली हम चला रहे हैं यार, और लॉन्ग ट्रिप भी मेरा पटना से दिल्ली हुआ है, ऐसा नहीं है तो सिंगल मतलब ऐसे चलाने में अगर आप अकेले चलाने वाले हो और इतना लंबा ट्रिप कर रहे हो तो आपके मन में आता होगा भाई ये क्या कंफर्टेबल है, ये कैसे चलेगा, या फिर ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके मन में। बट गाड़ी ना मतलब पैसा के हिसाब से बहुत सटीक गाड़ी है और मतलब ना आपको कहीं पे कार धोखा देने वाली है। बात रही थोड़ी कंफर्ट की तो वो तो भाई आप जान रहे हो स्पेस कॉम्पैक्ट कार है तो थोड़ा सा मतलब स्पेस का पंगा होता है, बट अगर आप ऐसा आर्मरेस्ट वार्मेस्ट लगा लोगे तो भाई आप कह नहीं सकते हो कि आप अल्टो में बैठे हुए हो। मतलब एक नज़र आप देख लोगे तो आपको नहीं लगेगा कि आप अल्टो में हैं। मारुति ने इंफोटेनमेंट दे दी जो कि बहुत सूट करती है इस कार पे, और बाहर से कोई आफ्टर मार्केट नहीं भाई, बस सीट कवर और हैंडरेस्ट लगाकर, ये दोनों चीज़ों को छोड़ के मैंने कुछ बाहर से नहीं करवाया। अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो ये 2021 की अल्टो VXi प्लस मॉडल है और सच में मतलब देखने में भी बहुत अच्छी लगती है ये कार। और बहुत सारे मतलब मेरे सजेशन पे अगर जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या अल्टो मतलब इसकी VXi प्लस लेनी चाहिए या LXi लेनी चाहिए, LXi ले रहे हो ना तो आपको बाहर से आफ्टर मार्केट भी आपको ना खुद कुछ अपग्रेड कराना ही पड़ेगा और में भी आपको खर्च करनी पड़ेगी, तो आफ्टर मार्केट में मालूम में थोड़ा बहुत आपका पैसा बच सकता है बट क्वालिटी पे आप कंपेयर नहीं करो अगर आप जब गाड़ी ले रहे हो, ठीक है। तो आप अगर जब महंगी चीज़ सामान अच्छा लगाया करो मतलब ताकि वो चले, ठीक है, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वान्टिटी, बस आप इतना जान जाओ, तो यही चीज़ है। तो क्वालिटी अच्छा रखना और कंपनी बाई फिटेड जो देती है वो ऑब्वियसली है कि कंपनी पैसा लेती है मगर क्वालिटी क्वालिटी नहीं देती है भाई, बस यही है और क्या। तो अगर आपका डिसीज़न अगर आपका मन बन रहा है कि 2022 में यार अल्टो लेना सही रहेगा, बिल्कुल रहेगा, आप देख सकते हो केटन की पुरानी वाली लुक क्या सही लगती थी, बट यही अगर आप अभी के टाइम की देखोगे तो थोड़ा सा लुक में डिफरेंस मिल जाता है और मज़ेदार वैसा नहीं लगता है, बट ठीक है जो भी है। तो यही वीडियो था, अगर आपको लेनी है तो भाई आप बिल्कुल ले सकते हो। बाकी होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि वीडियोज़ आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आपका भाई वीडियोज़ लेके आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।